नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको मावा गुजिया बनाना सिखाएंगे, वो भी एयर फ्रायर में। तो चलिए आज मावा गुजिया एयर फ्रायर में बनाकर देखते हैं। मावा गुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, आधा गोला नारियल को ग्रेट करके ले लिया है, दो बड़े चम्मच किशमिश, एक बड़े चम्मच चिरौंजी, एक चम्मच पोस्ता दाना, दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ काजू, दो बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, 500 ग्राम मावा, 250 ग्राम चीनी, इलायची पाउडर। तो चलिए मावा गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, उसमें डाल देंगे पोस्ता दाना और अपने गैस का फ्लेम लो करेंगे। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पोस्ता दाना को भून लेंगे। पोस्ता दाना को लगातार चलाते हुए भून लिया है, आप देख सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, पोस्ता दाना चटकने लगा है। अब हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से। अब हम डाल देंगे ये नारियल ग्रेट किया हुआ और इसको भी भून लेंगे। आप देख सकते हैं नारियल भी भून गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे एक चम्मच घी और घी को गर्म हो जाने देंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम डाल देंगे कटे हुए बादाम, ये कटा हुआ काजू, चिरौंजी। अब सबको भून लेंगे। काजू बादाम और चिरौंजी भी भून चुका है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में फिर से डाल देंगे एक चम्मच घी और अब डालेंगे किशमिश, किशमिश को भी भून लेंगे। आप देख सकते हैं किशमिश भी अच्छे से भून चुका है, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट को भून कर तैयार कर लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे मावा। इस खोया को मैंने पहले ही भून लिया था, अब हम इसमें डाल देंगे एक चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर और खोआ और सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिला लेंगे। पहले सारे मेवा में मावा को अच्छे से मिला लिया है, अब हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर शुगर। चीनी को पीस कर ले लिया है, अब हम चीनी को भी मिला लेंगे मावा के साथ। मावा में पाउडर शुगर और बाकी सारी सामग्री को अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसको एक साइड रखेंगे और गुजिया बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने एक बोल लिया है, उसमें डालेंगे मैदा और अब हम इसमें डाल देंगे घी, दो बड़े चम्मच घी को मैदा के साथ अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें दो चम्मच घी और डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। घी को अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं बाइंड होने लगा है मैदा। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर डो तैयार करेंगे। दूध की जगह आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। दूध से मैदा सानने से डो तैयार करने से गुजिया बिल्कुल क्रिस्पी बनता है। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर बिल्कुल मुलायम डो तैयार कर लिया है, अब हम इसको एक गीले कपड़े से ढक देंगे। गीले कपड़े से ढकने के बाद एक प्लेट से ढककर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मैदा अच्छे से फूल जाए, उसके बाद गुजिया बनाएंगे। डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है, अब हम गुजिया बनाते हैं। आप देख सकते हैं डो कितना अच्छा खुला है। हम थोड़ा थोड़ा डो लेंगे और उससे लोई बनाएंगे। डो से 8-10 लोई काट लिया है, अब हम इसको बेल लेंगे। तो पहले सारी लोइयों को एक साइड कर देंगे और एक लोई को लेंगे इस तरह से, अब इसको बेलेंगे। बेलते समय न तो घी लगाएंगे न तो सूखा मैदा, ऐसे ही आसानी से बिल जाता है ये। इसी तरीके से सारी लोइयों को बेल लेंगे। सारी लोइयों को बेलकर तैयार कर लिया है, अब हम एक लोई उठाएंगे और इसको ऐसे फैला देंगे, इसको ऐसे काटेंगे
और ये किनारा हटा देंगे। अब एक लोई को लेंगे और इसमें भर देंगे ये मावा, इसको इस तरह से बंद करेंगे और अब इस साइड से मोड़ते जाएंगे। और आप देख सकते हैं गुजिया को मोड़ लिया है सब तरफ से, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी गुजिया को बनाकर पहले तैयार करेंगे। सारी गुजिया को बनाकर तैयार कर लिया है, अब बारी आती है इसको पकाने की। तो या तो फ्राई करते हैं या तो बेक करते हैं। आज हम ना गुजिया को फ्राई करेंगे ना तो बेक करेंगे, इसको हम पकाएंगे एयर फ्रायर में। तो चलिए गुजिया को एयर फ्रायर में पकाने के लिए मैंने इसको 80 डिग्री पर 10 मिनट के लिए सेट कर दिया है। अब हम इसमें गुजिया रखेंगे। और गुजिया को पकने देंगे। गुजिया को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गुजिया पकने लगा है। अब हम इस पर लगा देंगे घी। अब हम इसको एक बार फिर से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। गुजिया को पकते हुए 10 मिनट और हो चुका है। अब हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा बाकी है पकने में। अब हम इसको 10 मिनट के लिए एक बार फिर से रखें। गुजिया को पकते हुए 10 मिनट हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं गुजिया अच्छे से पक गया है। अब हम इसको एक प्लेट में रखेंगे। आप देख सकते हैं एयर फ्रायर में गुजिया बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार एयर फ्रायर में गुजिया आप लोग भी बनाकर देखिए, बहुत आसानी से बनता है और बहुत अच्छा बिना फ्राई किए हुए। आप इसकी कलर को मत देखिए कि यह बिल्कुल वाइट है, यह अच्छे से पक गया है।